केंद्र और राज्य भले ही स्वच्छ भारत अभियान के दावे कर रही हो, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। प्रशासन सफाई के नाम पर धांधली कर रहा है। ऐसा ही ताजा मामला बहादुरगढ़ नगर परिषद से सामने आया है, जहां नगर परिषद के अधिकारियों पर सफाई के नाम पर धांधली करने का आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार सफाई का एक साथ टेंडर लगाने की बजाय अलग अलग टुकड़ों में सफाई का टेंडर लगाए गए हैं। वहीं शहर के नालों की सफाई में भी भारी खामियां पाने के आरोप लगे हैं। पिछले टेंडर में जहां 34 नालों की सफाइयों के लिए हर महीने करीबन 4 लाख रुपए खर्च होता था, वहीं इस बार 25 नालों की सफाई के लिए नगर परिषद करीबन 30 लाख रुपए हर महीने खर्च करेगी। बहादुरगढ़ पार्षद संघ के प्रधान समुंदर सहवाग ने बताया कि नगर परिषद में जो टेंडर लगाया गया है उसकी समय अवधि 2 साल तय की गई है। हर साल इसमें 10% राशि की बढ़ोतरी करने की बात भी टेंडर में कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के अधिकारियों और चेयरपर्सन मिलकर स्टैंडर्ड में बड़ा घोटाला करने की फिराक में है। उस पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, इस वजह से वो अभी ओपन नहीं किया, दोबारा लगाने और जो नाले थे जो मौके पे है ही नहीं, वैसे टेंडर में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौकों पर सारी जिनकी फरमाइश वगैरह सारा करने के बाद ही लगाया गया। रद्द किस लिए किया गया सर? कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं। वही पार्षद कपूर राठी का कहना है कि एक तरफ जहां अब तक पूरे देश के नालों की सफाई पर महज 4 लाख रुपए ही खर्च होते थे, अब आधे शहर के नालों की सफाई में 30 लाख रुपए खर्च करना जायज नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि पिछले ठेके में तो नालियों की लंबाई चौड़ाई समेत उनकी गहराई का भी वर्णन था, लेकिन इस टेंडर में जानबूझकर आंकड़ों को छुपा लिया गया है ताकि ठेकेदार के साथ मिलकर अधिकारी और बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन गड़बड़ कर सके। ये नालों की सफाई के लिए एक और नया घोटाला लेके आए हैं। ये पिछली बार सड़कों का सफाई के बाबत घोटाला था, तभी भी हमने सरकार को अवगत कराने की कोशिश करी और अब इन्होंने एक और घोटाले को अंजाम दे दिया, नगर परिषद चेयरमैन और नगर परिषद स्थानीय MLA द्वारा। अब पिछले साल 4 लाख में 34 नालों की सफाई होती थी, अब 25 नालों की सफाई होगी 35 लाख रुपए में। ये उल्टी गणित है, उल्टी इनकी कहानी है। ये सब गोलमाल जनता के पैसे को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर चुके हैं, इस गूंगी बैरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि जनता का पैसा लुटवाया जा रहा है। खट्टर साहब अपने आप को डिजिटल बताते हैं, यहाँ अपने आदमी छोड़ रखे हैं जो जनता का पैसा लूट रहे हैं नगर परिषद में। सरे हम आपको बता दें कि बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन और अधिकारियों पर इससे पहले भी शहर की स्ट्रीट लाइट लगवाने के मामले में भी घोटाले करने के आरोप लगे थे और साथ ही सफाई टेंडर के नाम पर पैसे बर्बाद करने के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों ने अधूरी जानकारी के टेंडर आमंत्रित करना और उस पे आनन फानन में कैंसिल करना भी घोटाले की ओर इशारा करता है। अब देखना होगा कि बहादुरगढ़ नगर परिषद ने आमंत्रित किए जाने वाला ये सही होगा या फिर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए नगर परिषद के अधिकारी फिर से आंकड़ों में हेरा फेरी करने का खेल खेलते हैं। पहली बात तो इन्होंने जो नालों की सफाई करने लग रहे थे 4 लाख रुपए में, पहली बात तो वो 4 लाख में तो ये गड़बड़ करने लग रहे थे, अब वो 4 लाख की सफाई लेके 30 लाख रुपए पे, क्योंकि इन्हें अर्नेस्ट मनी दिखा दी टेंडर के अंदर, और टेंडर के अंदर अर्नेस्ट मनी के अलावा ये फाइनेंशियल बिड में कहीं नहीं लिखा हुआ कि कम से कम इसकी कीमत कितनी होगी, वो सफाई ठेकेदार कितने में ले इसको। तो सबसे बड़ा गोलमाल तो ये लोग ये कर रहे हैं कि नाले की जगह नाली के नाम लिख रखे हैं इन लोगों ने, इन्हें खुद नहीं पता कि ये नाले हैं कि नाली है। अगर देखा जाए तो जहाँ तक बात 4 लाख की भी अगर हम करें कि ये 4 लाख में सफाई करवाने लग रहे थे, उसमें साइज दे रखा था पर पर्टिकुलर कि ये नाला यहाँ पे है और उसका ये साइज है, अब ना साइज का जिक्र है, ना उस नाले का जिक्र है वो कहाँ का है, ना लंबाई का जिक्र है, ना ऊंचाई का जिक्र है, ना क्यूबिक फिट का जिक्र है। कुल मिला के 3 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी का जिक्र है, मकसद है सिर्फ एक, इनको घोटाला करना। बहादुरगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट।